बैंडविड्थ ऑफ सीरीज एलसीआर लास्ट टाइम डिस्कशन हो गई थी। बैंडविड्थ क्या बताई थी, करंट और फ्रीक्वेंसी का एक ही ग्राफ है और कोई पूरे चैप्टर में ग्राफ ही नहीं है, यही तो ग्राफ है बार बार एल्स, क्योंकि सर्किट ही एक एलसीआर। तो ये करंट का ग्राफ है, ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है और ये हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज है एफ1 एंड एफ2। बैंडविड्थ क्या होती थी, डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि एफ2 माइनस एफ1। तो क्वेश्चन आएगा बैंडविड्थ पे, क्या होती है बैंडविड्थ, आप बोलोगे इनका डिफरेंस एफ2 माइनस एफ1 इज बैंडविड्थ, बात खत्म हो जाती है। तुम्हें पहला न्यूमेरिकल देगा एफ1 देगा एफ2 देगा, तुमसे बैंडविड्थ पूछेगा, तुम एफ2 में से एफ1 को माइनस कर देना, बैंडविड्थ आ जाएगा पहला आंसर। दूसरा एक और तरीका है बैंडविड्थ निकालने का, आपको याद होगा लास्ट टाइम मैंने एक डेरिवेशन कटवाई थी, बहुत बड़ी डेरिवेशन थी, उसमें से निकल के आती है बैंडविड्थ का दूसरा फॉर्मूला। एलसीआर सर्किट में आर गिवन होगा, एल गिवन होगा, सी गिवन होगा, आर और एल की रेशियो को डिवाइड कर देना तो भी बैंडविड्थ आएगी, नोट कर लो दूसरा फॉर्मूला। तो बैंडविड्थ निकालने का पहला फॉर्मूला क्या था, F2 माइनस F1, दूसरा फॉर्मूला क्या है, R बाई L, इसका प्रूफ हमने नहीं किया, हमने नहीं किया, इसकी न्यूमेरिकल रेशियो बराबर आएगी, न्यूमेरिकल रेशियो F2 माइनस F1 के बराबर आएगी, ठीक। ये डेरिवेशन के अंदर चेक करना, डेल्टा ओमेगा इसी के इक्वल आता है। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, ठीक है। तो बैंडविड्थ निकालने का दूसरा तरीका R अपॉन L, तो ओमेगा रेजोनेंस पे क्या होता है 1/√LC हमने कर लिया था, और क्यू वैल्यूज कैसे निकलती हैं ये हमने लास्ट टाइम कर लिया था, वो क्या फॉर्मूला था, वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस इंडक्टर अपॉन वोल्टेज डेवलप्ड अक्रॉस रेजिस्टर, या वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर, याद करो ये फॉर्मूला हमने ड्राइव किए थे, तो वहीं से कर लेना जो हमने लास्ट टाइम किया था क्यू वैल्यू से, क्लियर है यहाँ तक। तो ये वैल्यू आ गई